ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, ड्रग्स माफियाओं की सट्टेबाजों की वकालत नहीं करने के, हम वकालत करेंगे कमेरे वर्ग की। और अपने परिवार में ये बात रखूंगा, मेरा मन है कि मैं चुनाव की राजनीति ना करूं, राजनीति में फिर भी रहूंगा। भाई दो आदमी लड़े हैं, 10 लड़े हैं, एक जीते हैं। अब के जनता ने मेरे पे विश्वास कर लिया, पहले उन पर कर लिया था। साथियों नमस्कार, अमर उजाला के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पिछले 10 साल से जिले में 2 बार सांसद चुने गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक सांसद चुने गए हैं। बालियान ने पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हराकर नया कीर्तिमान बनाया था, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई और हरिंदर मलिक ने बालियान को हराकर लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल किया। हम आपकी मुलाकात कराते हैं हरिंदर मलिक जी से और उनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो एक बार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की कुछ चीजें बता दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो आपके विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, हम गांव के लोग हैं। हम लोग पढ़ते टाइम में, छात्र जीवन में राजनीति में आए। उत्तम चंद शर्मा हम समझाने लगे, मुझे पढ़ा बुलेटिन के संपादक थे, कि यार तुम रोज घूमते फिरते हो, अगर राजनीति करोगे तो नेता हो जाओगे। और अगले दिन उन्होंने छाप दिया कि वरिष्ठ छात्र नेता हरिंदर मलिक। हमें राजनीति का शौक पड़ गया। राजनीति में हमारा सौभाग्य है जो छात्र जीवन में हमारे साथ लोग लगे हुए अच्छे लोग थे, और उन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। हमारे चुनाव का पूरा काम जो दो आदमी देखते हैं ऑफिशियल, उनमें डॉक्टर ऋषिपाल राठी जी उस समय प्रोफेसर हो चुके थे डीएवी कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, और श्री चंद्रपाल सिरोही जी एडवोकेट जो पहले डीजीसी भी रह चुके, वो हमारे सीनियर थे, हमारे साथ एलएलबी में थे। तो वो लोग अब तक हमारे गार्जियन के रूप में काम करते हैं। वहीं से छात्र जीवन से राजनीति शुरू हुई। 82 में ब्लॉक प्रमुखी का लड़ना चाहा, बीडीसी मेंबर हो गए, वो अंडर एज नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हमारे भाई चुनाव जीत के वो प्रमुख हो गए। हमारा ग्रामीण राजनीति में अवतरण हुआ। फिर उसके बाद में हमने उसके बाद हमारा ये हुआ कि हम लोग राजनीति में आए। 84 में प्रमुखी का चुनाव लड़ लिए और उसका एमएलए का 85 में चौथ साहब के संपर्क में आए, उन्होंने एमएलए बना दिया। अब ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत रही, फिर अपना राजनीति में तब से लगे हुए। इस बार आपकी जो जीत हुई है उसकी कौन कौन सी बड़ी वजह आप मानते हैं? जीत तो ये तो जनता है, जनता को जनार्दन कहा गया। भाई दो आदमी लड़े हैं, 10 लड़े हैं, एक जीते हैं। अब के जनता ने मेरे पे विश्वास कर लिया, पहले उन पर कर लिया था। इसमें ना कहीं मैं सुनने का पाया गया, उनके विश्वास में खरा उतरने का काम करूँगा, ये मेरा वादा। सबसे पहले सम्मान लोगों का लौटाया जाएगा, और हम जनता के वकील हैं, कमेरों के वकील हैं। हम किंचित भी माफियाओं की, भूमाफियाओं की, ड्रग्स माफियाओं की, सट्टेबाजों की वकालत नहीं करने के, हम वकालत करेंगे कमेरे वर्ग की। कमेरा वर्ग हिंदू हो, मुसलमान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कलमगार हो, कामगार हो, किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाता हो, पत्थर तोड़ता हो, सबकी वकालत करेंगे, बुनकर की वकालत करेंगे। पिछले 10 साल से मुजफ्फरनगर में भाजपा के सांसद रहे, उससे पहले 5 साल बसपा के सांसद रहे, तो ये 15 साल में ऐसा कोई इस बार क्या बदलाव आपके करने के मन में है जो 15 साल में काम नहीं हुए? देखो ये हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था है, काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। केंद्र सरकार के जो काम हैं वो सबने कोशिश की है थोड़ा बहुत हो जावे। आपको दो ये याद हैं, 2008 तक मैं भी यहाँ एमपी रहा हूँ, हमने अपने सांसद के कार्यकाल में
मैं हरियाणा से एमपी था राज्यसभा का, परंतु रेलवे का मॉडल स्टेशन हमने बनवाया, अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, डबल ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्रेट कॉरिडोर, ये सब हम लोगों ने स्वीकृत कराया। क्योंकि मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में था और हम लोगों ने पैरोकारी करके इसे स्वीकृत कराया, और कोई काम है जो भी होगा जो जनता बतावेगी। मैंने कहा ना, हम कमेरों के वकील हैं, जो कमेरे बताओगे उसके मुताबिक हम वकालत करेंगे। हमारे पास कोई एजेंडा नहीं होता, हम तो ये चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकून और स्वरोजगार ये लोगों को मिले, सुरक्षा मिले, इसी के लिए हम काम करेंगे। चुनाव के दौरान राजपूत समाज ने बहुत विरोध किया भाजपा का, तो क्या आपको लगे कि साफ चुनाव? मुझे ये जानकारी नहीं उन्होंने भाजपा का विरोध किया नहीं किया, मुझे ये जानकारी है कि राजपूत समाज मेरे साथ रहा, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। राजपूत समाज ही क्या, सभी रहे, उन्होंने शुरुआत की, बड़ी अहम भूमिका उनकी है चुनाव में, इसे नकार नहीं सकते। पर गुजर समाज, ब्राह्मण समाज, सभी समाजों को आप देखो, सभी समाजों ने मदद की, 36 कौम ने हमारी मदद की। जीतने के बाद आपने कहा था कि आखिरी चुनाव है, तो इसके भविष्य की क्या प्लानिंग? देखिए, भविष्य की प्लानिंग यही है, मैंने जो कल कहा था उसी पर आ जाऊंगा। जो मेरा राजनीतिक परिवार है और जो मेरी पार्टी है, मैं अपने पार्टी अध्यक्ष जी को और अपने परिवार में ये बात रखूंगा, मेरा मन है कि मैं चुनाव की राजनीति ना करूँ। परंतु इसका आशय ये नहीं कि मैं एक तरफ बैठ जाऊँगा, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, अभी तो मन लगा करके राजनीति करूँ, राजनीति में फिर भी रहूँगा, राजनीति करता रहूँगा, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, तो सेवा का वर्थ है, सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ थे सांसद हरेंद्र मलिक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।